नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से असन न्यूज पर। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तेलंगाना में आने वाले 2023 में किसकी बनने जा रही है सरकार। इस ओपनिंग पोल में जान लीजिए 2023 का सटीक ओपनिंग पोल। क्या टीआरएस बनी बीआरएस, फिर से सत्ता में आने की संभावनाएं हैं या फिर केसीआर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके जानकारी आपको दे देते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं वाना फारते की। एक विधानसभा सीट है यहाँ पर बीआरएस के खाते में जा सकती है, बाकी बीजेपी कांग्रेस और एआईएमआईएम को जीरो और अन्य पार्टी को यहाँ पर जीरो जीरो सीट। दोस्तों एक बात और भी बता देते हैं, बीआरएस और एआईएमआईएम का गठबंधन है। बाकी बात कर लेते हैं वाना फारते के बाद आदिलाबाद की दो विधानसभा सीटों के ओपनिंग पोल की, यानी कि जनता की राय के अनुसार बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के खाते में जा सकती है एक सीट और बीआरएस को यहाँ पर एक सीट, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर जीरो सीट पर अटकना पड़ सकता है। एआईएमआईएम की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ पर जीरो सीट का सामना करना पड़ेगा और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर जीरो जीरो सीट का ही सामना करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं यादरादी भोगीर की। यादरादी भोगीर में दो विधानसभा सीट है, दो में से एक पर भाजपा तो एक पर बीआरएस और कांग्रेस पार्टी एआईएमआईएम और अन्य पार्टी यहाँ पर सुपड़ा सब हो सकता है। बाकी बात करें तेलंगाना के 119 विधानसभा सीट में से दो विधानसभा सीटों पर बीजेपी यहाँ पर बढ़त बना रही है, यानी कि पांच विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी दो सीटों पर बढ़त बना रही है, बीआरएस को यहाँ पर तीन सीटों पर बढ़त मिल रही है, यानी कि पांच में से तीन सीटों पर बीआरएस को यहाँ पर बढ़त मिल रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं मेडक जिले की दो विधानसभा सीट है और यहाँ पर दो में से बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को एक सीट और बीआरएस के खाते में एक सीट जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। बाकी कांग्रेस एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और अन्य पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं तेलंगाना के अगले जिले यानी कि रजना सिरसिलिया की। रजना सिरसिलिया में दो विधानसभा सीट है, दो में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को एक सीट, बीआरएस यानी कि के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस को यहाँ पर एक सीट मिल सकती है, बाकी कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को जीरो, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी के खाते में भी जीरो और अन्य पार्टी को यहाँ पर जीरो जीरो सीट का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं तेलंगाना के अगले जिले के बारे में। तो यहाँ पर जयशंकर भूपली में दो विधानसभा सीट है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त के साथ दोनों ही विधानसभा सीटों पर पहली बार जीत हासिल करने में कामयाब रह सकती है। बाकी बीआरएस को यहाँ पर यानी कि के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस को यहाँ पर जीरो सीट पर मुकाना पड़ सकता है, कांग्रेस पार्टी को भी जीरो, एआईएमआईएम को भी यहाँ पर जीरो, रणनी पार्टी को भी यहाँ पर जीरो जीरो सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं जोगू लांबा गढ़वाल में दो विधानसभा सीट है और यहाँ पर दोनों ही विधानसभा सीटों पर यानी कि बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को जीरो सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा, बाकी बीआरएस यानी कि के चंद्रशेखर राव की पार्टी बनी बीआरएस को यहाँ पर दो विधानसभा सीटें मिल रही है। बाकी बात करें कांग्रेस पार्टी एआईएमआईएम और अन्य पार्टी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं तेलंगाना की अब तक 119 विधानसभा सीट में से 13 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 6 सीटें, बाकी बीआरएस को यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कुमारम भीम आसियाबाद में दो विधानसभा सीट है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को एक सीट, बीआरएस यानी कि के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस बनी इसको मिल सकती है एक सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में जा सकती है जीरो, एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को यहाँ पर जीरो सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर जीरो जीरो सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं महबूबाबाद में दो विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर दो में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को जीरो, एआईएमआईएम के खाते में जीरो, बीआरएस के खाते में एक सीट, कांग्रेस पार्टी को जीरो और अन्य पार्टी को यहाँ पर एक सीट मिल सकती है। बाकी दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं वारंगल ग्रामीण की। वारंगल ग्रामीण की बात की जाए तो
दो विधानसभा सीट है, दो में से एक पर बीजेपी, एक पर बीआरएस कांग्रेस पार्टी, एआईएमआईएम और अन्य पार्टियां पर सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं वारंगल अर्बन की। वारंगल अर्बन में तीन विधानसभा सीट है, तीन में से एक पर बीजेपी, दो पर बीआरएस कांग्रेस पार्टी 0, एआईएमआईएम 0 और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों यहां पर बाकी बात कर लेते हैं तेलंगाना के अगले जिले यानी कि कामारेड्डी की। कामारेड्डी में तीन विधानसभा सीट है, तीन में से दो पर बीजेपी यहाँ पर बढ़त बना सकती है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर एक सीट मिल सकती है, यानी कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल सकती है। बीआरएस यानी कि के चंद्रशेखर राव की पार्टी बनी, बीआरएस को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। एआईएमआईएम के खाते में यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर आप बात कर लेते हैं तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से अब तक 25 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है, तो 25 में से 11 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी यहां पर पहली बार 11 विधानसभा सीटें जीत सकती है। बाकी कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो यहां पर एक सीट पर बढ़त बना सकती है, एआईएमआईएम की बात की तो यहां पर 0 सीट पर सिमट रही है। बाकी बात करें तेलंगाना की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे पहली पार्टी बीआरएस को यहां पर 12 सीटों पर बढ़त मिल रही है, अन्य पार्टियों को यहां पर एक विधानसभा सीट पर जीत हासिल हो सकती है। दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं मंचिरियाल की। तो यहां पर मंचिरियाल में तीन विधानसभा सीट है, तीन में से एक पर बीजेपी, दो पर बीआरएस को यहां पर बढ़त मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी, एआईएमआईएम और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं नगर कुरनूल की। नगर कुरनूल की तीन विधानसभा सीट है, तीन में से दो पर बीजेपी, एक पर बीआरएस, कांग्रेस पार्टी को यहां पर 0, एआईएमआईएम के खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी को भी यहां पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं तेलंगाना के अगले जिले यानी कि निर्मल। निर्मल में तीन विधानसभा सीट है, तीन में से दो विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो बीआरएस के खाते में यहां पर एक विधानसभा सीट, बाकी कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी को 0, एआईएमआईएम के खाते में 0 और अन्य पार्टी को भी 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं जगतियाल की। जगतियाल में तीन विधानसभा सीट है, तीन में से एक पर बीजेपी, एक पर बीआरएस, कांग्रेस पार्टी को एक सीट, यानी कि बीजेपी, बीआरएस, कांग्रेस को एक एक सीट मिल सकती है, एआईएमआईएम के खाते में 0 और अन्य पार्टी को 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बाकी बात करें जनगांव की। जनगांव में तीन विधानसभा सीट है, तीन ही विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करने में कामयाब रह सकती है। बीआरएस यानी के चंद्रशेखर राव की पार्टी को यहाँ पर 0, एआईएमआईएम और कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं तेलंगाना की। अब तक 119 विधानसभा सीट में से 40 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर 20 सीटों पर यानी कि बीजेपी 20 सीटों पर बढ़त बना रही है, बीआरएस यहाँ पर 17 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर, अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं तेलंगाना के पेदापल्ली जिले की। तीन विधानसभा सीट है और यहाँ पर तीन में से दो विधानसभा सीट और बीजेपी यहाँ पर बढ़त बना रही है, के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस को यहाँ पर एक सीट, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, एआईएमआईएम के खाते में 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं क्रेम नगर की। चार विधानसभा सीट है, चार में से दो पर बीजेपी, बीआरएस के खाते में 2 सीटें, यानी कि बीजेपी को 2 सीट तो बीआरएस के खाते में, यानी कि के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस को भी यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी, एआईएमआईएम और अन्य पार्टियों यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं सिद्दीपेट की। सिद्दीपेट की चार विधानसभा सीट है, चार में से तीन विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी बढ़त बना रही है, बीआरएस यहाँ पर एक सीट पर, कांग्रेस पार्टी 0 पर, एआईएमआईएम और अन्य पार्टी यहाँ पर सुपड़ा साफ। चलिए दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं सूर्यापेट की। सूर्यापेट में चार विधानसभा सीट है, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी और बीआरएस यानी के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस को और भारतीय जनता पार्टी को 2 और बीआरएस के खाते में भी 2 सीट जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है, कांग्रेस, एआईएमआईएम और अन्य पार्टी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। बाकी बात कर लेते हैं विकाराबाद की। विकाराबाद में चार विधानसभा सीट है, चार में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को बढ़त के साथ 3 सीटें मिल रही है, चार में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अकेले ही जीत रही है, बीआरएस यानी कि के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस को यहाँ पर 1 सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा, बाकी कांग्रेस पार्टी, एआईएमएम और अन्य पार्टी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है, दिखाई दे रहा है।
चलिए बात कर लेते हैं महबूब नगर की। 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 5 में से बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को अच्छी खासी लीड के साथ 2 सीटें मिल सकती हैं। बीआरएस यानी कि के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस को यहाँ पर 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, एआईएमएम के खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 का सामना करना पड़ेगा। बाकी बात कर लेते हैं बरदरादरी की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, बीआरएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, एआईएमआईएम के खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी को 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं तेलंगाना की। अभी तक 119 विधानसभा सीटों में से 69 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 34 विधानसभा सीटों के साथ बढ़त मिल रही है। 28 विधानसभा सीटों पर बीआरएस, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। खम्मम की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 2 पर बीजेपी, 3 पर बीआरएस को मिल सकती है, यानी कि 3 सीट और बढ़त मिल सकती है केसीआर को और कांग्रेस पार्टी, एआईएमआईएम और अन्य पार्टियों में 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बाकी बात करें तो मेडल मलकागिरी में 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर बीआरएस, कांग्रेस पार्टी, एआईएमआईएम और अन्य पार्टियों में 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। संगारेड्डी की 5 विधानसभा सीट है, यानी कि संगारेड्डी में 5 विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर 2 विधानसभा क्षेत्रों पर बीजेपी का विजय रद्द आगे बढ़ सकता है। तो वहीं बीआरएस यानी कि के चंद्रशेखर राव की पार्टी बनी बीआरएस को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 0 और एआईएमआईएम को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं नलगोड़ा की। 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी बीआरएस का तमे 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 0, एआईएमआईएम के खाते में 0 और अन्य पार्टी को 0-0 सीट। दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं निजामाबाद में 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 3 पर बीजेपी और यहां पर निजामाबाद में भारतीय जनता पार्टी का सांसद है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल रही हैं, बीआरएस का तमे 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, एआईएमआईएम का तमे 0 और अन्य पार्टी को यहां पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बाकी बात कर लेते हैं रंगारेड्डी की। 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी, 5 पर बीआरएस, कांग्रेस पार्टी, एआईएमआईएम और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है। चलिए दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं हैदराबाद की। 15 विधानसभा सीट है, 15 में से यानी कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की 15 में से 8 पर भारतीय जनता पार्टी बीआरएस को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को यहां पर 0, एआईएमआईएम की पार्टी यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को यहां पर 6 सीट और अन्य पार्टी को यहां पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, हैदराबाद सबसे बड़ा जिला है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है और यहां पर 15 विधानसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलकर 8 सीटों पर जीत हासिल हो रही है। बीआरएस को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 0, एआईएमएम का तमे 6 और अन्य पार्टी को यहां पर 0 का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं तेलंगाना की। 119 विधानसभा सीटों में से सभी 119 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी लीड के साथ बिल्कुल ही जादुई आंकड़े के 1-2 सीट आगे चल रही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 60 विधानसभा सीटों पर बढ़त बना रही है। 45 सीटों पर केसीआर की पार्टी बीआरएस को मिल सकती है, 45 सीटें यानी कि टक्कर रह सकती है। इस बार पहली बार भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है, बीआरएस यानी केसीआर की पार्टी को और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बिल्कुल लुढ़कती हुई दिखाई दे रही है मात्र 4 सीटों पर और एआईएमआईएम के खाते में 7 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। वैसे तो एआईएमआईएम और 45 सीटों पर केसीआर का गठबंधन है तो यहाँ पर होता है 45 और 7, 52 विधानसभा सीटें बीआरएस के गठबंधन में आ सकती हैं, बाकी 4 सीटें कांग्रेस के खाते में, 3 सीटें अन्य पार्टियों के यहाँ पर मिल सकती है।